जानती हैं आप कौन हैं? आप स्वयं नारायणी नारायणी आपके पिता समुद्र देव ने आपसे जो भी कहा सत्य कहा, परंतु अधूरा सत्य। यदि आपको पूर्ण सत्य जानना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ महादेव? वो देखिए श्री, निद्रा में है फिर भी चित कितना अशांत प्रतीत हो रहा है। जो नारायण अपने शांत चित्त के लिए प्रसिद्ध थे, आज यदि इस अवस्था में हैं, तो केवल इसलिए क्योंकि उनकी नारायणी उनके पास नहीं है, उनके साथ नहीं है। देखिए अपने चारों ओर, हर दिशा में केवल नारायण ही नहीं, समूचा वैकुंठ भी मुरझाया हुआ है। क्योंकि यहां की स्वामिनी नारायणी यहां नहीं है। सदैव आपके साथ रहेंगे, कभी भी कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने वास्तविक रूप को पहचानिए श्री। स्मरण कीजिए उन सभी सुखद क्षणों को और स्मरण कीजिए उस क्षण को जब नारायण ने आपकी रक्षा की थी शंख का वध करके। मुझे कर स्वरूप लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, कोई वस्तु नहीं जो कर स्वरूप में दी जाए। स्मरण कीजिए उस दुखद क्षण को जब नारायण से आपका विच्छेद हुआ था श्री। तो जाने की अनुमति है? यात्रा आपकी है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ देवी। मैं आशा करता हूँ कि आप जिस भी प्रयोजन से जा रही हैं वे अवश्य पूर्ण हो। स्मरण कीजिए उस त्याग को, उस बलिदान को जो आपने किया था ताकि जगत पिता नारायण अपना धर्म निभा सके। आप माया है, स्मृतियां आपके वश में है। आप नारायण के मन के मन के मन मेरी सभी स्मृतियों 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 लुप्त कर दीजिए कर दीजिए।
बिछड़ने के पश्चात भी भाव रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे साथ। नारायण नारायण समुद्र पुत्री, आप यहां? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। क्या आपके घर में सबको ज्ञात है कि आप यहां आई हैं? मैं मेरे घर ही आई हूं नारायण। अंततः आज मैं अपने घर लौट आई हूं। आपका घर? हाँ नारायण, आपका हृदय तो मेरा घर है। मुझे पहचानिए, मैं आपकी नारायणी हूं। आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है, मैं किसी नारायणी को नहीं जानता। यदि आप मुझे नहीं जानते तो मेरी पीड़ा में आपकी आंखों में अश्रु क्यों आ जाते हैं? क्यों आपकी चिंता मुझे मेरी चिंता लगने लगती है? पहचानिए मुझे, मैं ही आपकी नारायणी हूं। कदाचित आज आपका मन अधिक विचलित है श्री, फिर भी आपको अपने पिता के लिए लौट जाना चाहिए, अन्यथा वो आप पर रुष्ट होंगे, जिससे आप आहत होंगी, जो मेरे लिए असहनीय है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी कारणवश दुखी हो, इसलिए आप घर लौट जाइए। न्याय है, आपने मुझे तो सभी स्मृतियां दे दी, किंतु नारायण नारायण को तो कुछ भी स्मरण नहीं है। उन्हें मैं भी स्मरण नहीं हूं। ये पीड़ा मुझे अकेले को क्यों भोगनी पड़ रही है? नारायण की स्मृतियां कब लौटेंगी? नारायण के साथ सात पग चलकर देवी, अब तक परीक्षा की घड़ी थी मेरे आराध्य की, परंतु अब परीक्षा की बारी है आपकी, और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको सात पग की स्तुति का अंत करके नारायण को उनकी नारायणी पुनः लौटानी होगी। जिस पीड़ा का अनुभव मेरे आराध्य दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, उसका अंत करना होगा किसी भी मूल्य पर। नारायण को इस विरह वेदना से मुक्त करना होगा देवी। तुम बहन नहीं शत्रु हो मेरी, झूठी और विश्वासघाती हो तुम। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरे और नारायण के मध्य नहीं आओगी, किंतु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अपने वचन से विमुख होकर तुम मेरे और नारायण के मध्य आई और तुमने मुझसे मेरे नारायण को छुड़ाया है। श्री, ये मत भूलो कि तुम वचनबद्ध हो। मैं आपकी सहायता करूंगी,
अपनी दीदी को उनका प्रेम दिलवाऊंगी। मैं आपको नारायण से मिलवाऊंगी। जिसने तुम्हें वचन दिया था वो समुद्र पुत्री श्री थी, किंतु आज तुम्हारे सामने बैकुंठ की नारायणी लक्ष्मी है। नारायण मेरे अर्धांग है, मेरे जन्म जन्म के साथी। कब से वियोग की पीड़ा सह रहे हैं, किंतु अब मुझे उन्हें इस वियोग की पीड़ा से मुक्त करना होगा। तुम मेरी प्यारी बहन हो, किंतु अब मुझे नारायण के पास लौटना होगा। उनके साथ साथ भाग लेने होंगे, उनकी स्मृतियां उनको हटानी होंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी श्री। ये सारा षड्यंत्र तुम इसलिए रच रही हो क्योंकि तुम नारायण को मुझसे चुराना चाहती हो। लेकिन ये स्मरण रखना कि नारायण केवल मेरे हैं और मैं उनको पाकर रहूंगी। यही तो अंतर है तुम्हारे और मेरे प्रेम में लक्ष्मी। तुम नारायण को पाना चाहती हो, किंतु मैं नारायण की होना चाहती हूँ। नारायण और मैं एक हैं, हम अलग नहीं हो सकते लक्ष्मी। और यहां मैं तुम्हारी आज्ञा लेने नहीं, केवल वास्तविकता बताने आई हूं। आशा करती हूं कि तुम समझोगी और मुझे क्षमा कर दोगी। श्री, नारायण केवल मेरे हैं। सुना तुमने, केवल मेरे। केवल कहती ही रहोगी या इस पर कुछ करने की मंशा भी है तुम्हारी? मैं उन दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी करने को सच 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 कुछ भी। नारायण की स्मृति लौटाने के लिए श्री को उनके साथ साथ पग चलने होंगे, किंतु यदि तुम उनके साथ ये सात पग चलोगी तो नारायण की स्मृति जागृत होने से पहले तुम उनके पास होगी, अर्थात नारायण होंगे तुम्हारे। किंतु नारायण जैसे सशक्त देव मेरी बात क्यों सुनेंगे? रुक जाओ श्री, कहाँ जा रही हो? जिनके साथ सात जन्म का संबंध है उनके साथ साथ पग लेने जा रही हूँ। तो अब उस धूर्त नारायण के कारण मेरी ही पुत्री मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है। जो सत्य मैं जानती हूँ आप उससे पहले से ही अवगत है पिताश्री। शंख का अंत उसके कर्मों के कारण हुआ था। शंख अधर्म कर रहा था, इसलिए नारायण ने उसका अंत किया। मेरा और नारायण का संबंध अनंत है। मेरा और नारायण का मिलन नियति है। विधि के विधान में हस्तक्षेप ना करे पिताश्री। बदलूंगा नियति, तुम्हें और नारायण को कभी एक नहीं होने दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे स्वयं की पुत्री को बंदी क्यों ना बनाना पड़े। सैनिकों, राजकुमारी को बंदी गृह में डाल दो। लक्ष्मी को तो ना कह सकते हैं, किंतु देवता अपने भक्तों को कभी ना नहीं कह सकते हैं।
आज अपनी तपस्या से नारायण को विवश कर दो। आज तक मेरा प्रेम किसी ने नहीं समझा, किंतु अब मेरा हट सब देखेंगे। ये सात पग नारायण को मेरे साथ चलने ही होंगे। देते हैं, किंतु यदि आज मेरी तपस्या का फल मुझे नहीं मिला तो मैं यहीं भस्म हो जाऊंगी। ओम नमो नारायण, दर्शन दे नारायण, मुझे दर्शन दे नारायण। लक्ष्मी, क्यों पुकारा मुझे? मुझे विश्वास था कि आप मेरी तपस्या का फल देने अवश्य आएंगे। अंततः मेरा प्रेम आपको यहां खींच ही लाया। मैं प्रेम के कारण नहीं, अपने कर्तव्य के कारण आया हूं। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और भी होता तो मैं अवश्य आता। यदि ऐसी बात है तो यही सही, किंतु आज आपकी ये भक्त अपनी तपस्या के बदले आपसे एक फल मांगती है, मना तो नहीं करेंगे? जो भी तुम मांगोगी यदि मेरे वश में हुआ तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपको मेरे साथ सात पग चलने होंगे। वचन दीजिए नारायण कि ये पग पूर्ण होने से पूर्व आप लौटेंगे नहीं, और ये पग आप नारायण बन के नहीं, एक नर बनकर करेंगे। ना ही कोई माया और ना ही कोई दिव्य दृष्टि। कहिए नारायण, ले पाएंगे आप ये सात पग? आप मौन क्यों है नारायण, कहिए ना। एक बार पुनः सोच लो अलक्ष्मी, क्या यही तुम चाहती हो? आत्म अवलोकन करके सोच लो, ये तुम्हारा प्रेम है या तुम्हारी हठधर्मिता? क्योंकि कहने को ये प्रेम के साथ पग है, किंतु प्रेम का मार्ग अत्यधिक कठिन होता है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे क्या मांगा है नारायण, मुझे यही चाहिए। तथास्तु। मैं तुम्हारे साथ नर बनकर प्रेम के ये सात पग लूंगा और पूर्ण होने से पूर्व नहीं लौटूंगा। आज श्री को अनुमान होगा कि जब कोई किसी से अपना प्रेम छीन लेता है तो कैसी पीड़ा होती है। लक्ष्मी, तुम सज्ज हो? सदैव से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।